और गर्म चीजें, जैसे गर्म चीजों का ज्यादा से ज्यादा खाने में उपयोग करना चाहिए। एक मिनट, हाथों को बार बार धोना चाहिए किसी को। और हमें ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे खांसते वक्त हमें मुंह पे हाथ रखना चाहिए या कपड़े का यूज करना चाहिए। सर नमस्ते, मैं पीतांबर ब्लॉक से संजू बोल रही हूँ। सर कोरोना जो वायरस है वो एक तरह का संक्रमण है, यह किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो सकता है। हमें ना गले मिलना है, ना हमें गले मिलना है, ना हाथ मिलाना है, और उस व्यक्ति से हमें बिल्कुल सीधे। जो पॉजिटिव आया है उस देश में काम कर रहा है तो उसको संदिग्ध श्रेणी में लेंगे। हर एक को संदिग्ध नहीं मानना है कि सर्दी बुखार जुकाम हो गया तो कल से कई बार ये फोन आ जाते हैं कि साहब मेरे को भी सर्दी बुखार जुकाम है, कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, लक्षण सेम है। इसके लिए जब तक जांच से प्रूव नहीं हो आप नहीं कह सकते संदिग्ध भी है या पॉजिटिव है। तो मेहरबानी करके हमें जो कोई बताएगा चलो आपने से कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। बहुत अखबारों में आ गया, उद्देश्य यही है कि जो अभी कोरोना वायरस के जो अभी एपिसोड चल रहे हैं, एपिडेमिक चल रहा है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने आशा और एनएम्स की एक वीसी का आयोजन किया है जो कि पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग बैचेस में 3 दिन तक चलेगी। और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक हमारी आशा एक बहुत सशक्त मात्रा में, क्योंकि हमारा जो ग्रुप लेवल वर्कर है आशा है, वो हर घर घर उसकी अप्रोच है, हमारी एनएम की आंगनवाड़ी कार्य की, तो इनके सहयोग से हम कुछ भ्रांतियाँ जो चलती है, रूमर चलती हैं उसमें नहीं करके, क्योंकि ये पैनिक और दहशत का नहीं माहौल है। हमें कोई दहशत नहीं फैलानी है, हमारा मकसद है कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, इसका बचाव जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, सावधानी हमें क्या क्या बरतनी है, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आज इस वीसी के माध्यम से आशा और एनएम्स को दी जाएंगी ताकि वो ग्रामीण लेवल तक हर स्तर तक पहुँच सकें।